नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिद्धार्थ मल्होत्रा की हाल ही में रिलीज हुई फिल्म शेरशाह और अजय देवगन की फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया के चौथे दिन के OTT कलेक्शन के बारे में। आज हम देखेंगे अपने चौथे दिन कौन से मूवी ने मारी बाजी, कौन सा सुपरस्टार ठहरा बॉलीवुड का सबसे बड़ा किंग। सबसे पहले हम बात करेंगे शेरशाह मूवी के चौथे दिन के OTT कलेक्शन के बारे में। शेरशाह मूवी में हमें सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी लीड रोल में दिखाई दिए थे। यह मूवी 12 अगस्त को अमेजॉन प्राइम वीडियो यानी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट 60 करोड़ से भी ज़्यादा का बताया जा रहा है। क्रिटिक्स और पब्लिक ने इस मूवी को खूब पसंद कर लगभग 5 में से 4 स्टार रिव्यू दिया। बात करें इस मूवी के पहले दिन के कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी ने अपने पहले दिन सारे रिकॉर्ड तोड़ के 14 करोड़ की दमदार कमाई की थी। यह मूवी OTT की तीसरी ऐसी फिल्म थी जिसने अपने पहले दिन पे 14 करोड़ की कमाई की थी, यानी सबसे ज़्यादा कमाई की थी। बात करें इस मूवी के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी ने अपने दूसरे दिन पहले दिन से भी ज़्यादा की कमाई करके लगभग 17 करोड़ की कमाई की थी। इस मूवी ने अपने तीसरे दिन 16 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई की थी। यह मूवी अपने चौथे दिन यानी आज अमेजॉन प्राइम वीडियो के टैगलाइन के मुताबिक 10 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई कर रही है। अगर हम इस मूवी के 4 दिनों के टोटल कलेक्शन की बात करें तो यह मूवी अपने पहले 4 दिनों में ही लगभग 57 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई कर चुकी है। अगर यह मूवी कल भी ऐसे ही कमाई करेगी तो यह मूवी अपने बजट को पार करके हिट का टैग लगा सकती है। यह मूवी अपने पहले 6 दिनों में अपने बजट को रिकवर करके हिट हो सकती है। अगर इस मूवी को ब्लॉकबस्टर होना है तो कम से कम 250 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई करनी होगी। आपको क्या लगता है, यह मूवी हिट होगी, फ्लॉप होगी, ब्लॉकबस्टर होगी? आपकी राय हमें कमेंट में बताइए। अब हम बात करेंगे भुज द प्राइड ऑफ इंडिया मूवी के चौथे दिन के OTT कलेक्शन के बारे में। भुज द प्राइड ऑफ इंडिया मूवी में हमें अजय देवगन, संजय दत्त, सोनाक्षी सिन्हा, नोरा फतेह, शरद केलकर और एमी विर्क दिखाई दिए थे। यह मूवी 13 अगस्त को डिस्नी प्लस हॉटस्टार यानी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी। बात करें मूवी के बजट के बारे में तो इस मूवी का बजट लगभग 60 करोड़ से भी ज़्यादा का बताया जा रहा था। क्रिटिक्स और पब्लिक ने इस मूवी को खूब पसंद करके लगभग 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी। बात करें इस मूवी के पहले दिन के OTT कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी ने अपने पहले दिन सारे रिकॉर्ड तोड़ के लगभग 27 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई की थी। यह मूवी OTT की दूसरी ऐसी मूवी ठहरी जिसने अपने पहले दिन सबसे ज़्यादा पैसा कमा कर ओपनिंग ली थी। बात करें इस मूवी के दूसरे दिन के कलेक्शन के बारे में तो इस मूवी ने अपने दूसरे दिन 25 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई की थी। इस मूवी के तीसरे दिन में थोड़ी ज़्यादा ड्रॉप दिखाई गई और इस मूवी ने अपने तीसरे दिन 19 करोड़ की दमदार कमाई की। यह मूवी अपने चौथे दिन यानी आज लगभग 15 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई कर रही है। अगर हम इस मूवी के पहले 4 दिनों के टोटल OTT कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने अपने पहले 4 दिनों में लगभग 84 करोड़ से भी ज़्यादा की कमाई की है। इस मूवी ने अपने पहले 3 दिनों में अपने बजट को रिकवर करके लगभग हिट का टैग पा लिया है। अगर इस मूवी को ब्लॉकबस्टर होना है तो 250 से भी ज़्यादा करोड़ की कमाई करनी होगी। आपको क्या लगता है, यह मूवी हिट होगी, ब्लॉकबस्टर होगी या होगी फ्लॉप? आपकी राय हमें कमेंट में बताइए। आज यानी अपने चौथे दिन भुज द प्राइड ऑफ इंडिया मूवी ने तो मारी बाजी और अजय देवगन बने बॉलीवुड के सबसे बड़े किंग। जाते जाते हमारे इस नए YouTube चैनल कलेक्शन वाला को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद कीजिए। थैंक यू।